बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के मोजिज भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपनी फुर्सत के लिए हमारे लिए वक्त निकाला और आप लोग जो है वो तशरीफ़ लेके आए। आप लोगों की इंतहाई मसरूफ़ वक्त का मुझे अंदाज़ा भी है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप लोगों को दरख्वास्त की इसकी आप कवरेज करें, वो एक इन्वेस्टिगेशन विंग इकबाल टाउन डिवीजन और थाना नवाकोट की एक कार्रवाई है जो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के सामने आपके वसातत से मैं पब्लिक के सामने अवाम के सामने रख सकूं। ये एक इंसिडेंट था जिसमें कैनेडियन नेशनल का कत्ल हुआ था और जिसे इब्तदाई तौर पे रंग दिया गया था कि ये शहर डकैती मुजामत के दौरान हुआ है। 3 और 4 मार्च की दरमियानी शब ये वकुआ हुआ थाना नवाकोट के इलाके में, जिसमें 2 कस्मुल्ज़मान आए और उन्होंने एक शख्स से मोबाइल फ़ोन भी छीने और कुछ और सामान भी उसका ले लिया और साथ उसको फायर करके कत्ल कर दिया। ये हमारे लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग केस था जिसकी तफ्तीश हम दोनों ऑप्शंस को सामने रखते हुए कर रहे थे। हमें इसमें ये भी एक शुबा था कि ये डकैती मुजामत की भी वारदात हो सकती है, लेकिन हमें तरीके वारदात में कुछ पहलू ऐसे भी लगे जिससे हमें खदशा ये हुआ कि ये टारगेट किलिंग और दुश्मनी का भी ये मामला बन सकता है। हमारी तफ्तीश इनिशियली ये ब्लाइंड मर्डर केस था, जो मकतूल के वर्सा थे उन्होंने बादशकू को शुबहात का इजहार भी किया और हमारी तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन DSP गुलशन रावी सब पूरी टीम ने इस पर एफर्ट स्टार्ट की और इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। CCTV कैमरास की मदद से हम लोगों ने इसमें काफ़ी क्लूज हासिल किए। हमने मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड जो है उसका एनालिसिस किया। अल्टीमेटली हमारी एफर्ट के साथ ये चीज़ डिस्क्लोज हुई कि ये एक कत्ल था जिसमें मकतूल की बीवी ने अपने साबका साथी और आशना के साथ मिल के अपने शोहर को कत्ल करवाया। मकतूल अली रज़ा कैनेडियन नेशनल था और 5-6 साल पहले उसकी शादी मुलजिमा कनूत जो उसकी दूसरी बीवी है उसके साथ हुई और दोनों के 2 बच्चे भी थे। और मुलजिमा जो है इसमें हमारी कनूत जो मकतूल की बीवी है वो अपने शोहर के साथ ही सेटल्ड थी और कनाडा में रिहाइश पजीर थी। इसी अरसे में इसका दोबारा रब्ता बहाल होते अपने पुराने दोस्त से जो इसके साथ 8th क्लास में और स्कूल के दिनों में साथ पढ़ता रहा, जिसका नाम उमर है, उसके साथ इसका रब्ता होता है और ये दोबारा से उसमें दिलचस्पी जाहिर करती है और दोनों इरादा करते हैं कि हम इसको रास्ते से हटा के शोहर को अली रज़ा को और ये दोनों शादी करेंगे और कनाडा जाने का प्लान बनाते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मुलजिमा है वो अपने शोहर को दानिस्तान पाकिस्तान रवाना करती है और ये चीज़ हमारे सामने आई कि वो 1-वे टिकट के ऊपर उसको रवाना करती है पाकिस्तान, क्योंकि ये चीज़ दोनों मिलकर उसको प्लान बना चुके होते हैं कि इसको इस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। जो मुलजिम उमर है वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर होता है और यहाँ पर वो एक और अपने साथी मुलजिम की मदद भी हासिल करता है इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। 1-2 दफ़ा ये कोशिश भी करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहते। जब प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता तो उसके बाद मुलजिमा खुद कैनेडा से पाकिस्तान आ जाती है और दोबारा से ये मौका तलाश करते हैं कि जिसमें ये अली रज़ा को रास्ते से हटा सकें। इसमें 3 किरदार हैं, मुलजिमा कनूत जो उसकी बीवी है मकतूल की, उमर जो उसका सबका दोस्त है और मुस्तफ़ा जिसको उमर ने अपनी मदद के लिए साथ अपने इंगेज किया। ये प्लान ये बनाते हैं, मुलजिमा आती है और दोबारा एक दफ़ा मुलाकात करती है उमर के साथ और इस अरसे में ये किसी होटल पे भी मुलाकात करते हैं और वहाँ पे रहते हैं और ये एग्जीक्यूट करने के लिए अपना घर बदलते हैं क्योंकि जहाँ पर पहले मकतूल रिहाइश पजीर था वहाँ पर ये वारदात इनसे हो नहीं पा रही थी। इस वजह से ये दोनों मिल के अपनी रिहाइश तब्दील करते हैं और ऐसे इलाके में आ जाते हैं जहां पे इनके लिए ये प्लान एग्जीक्यूट करना आसान था। जिस दिन इन्होंने कत्ल का प्लान बनाया उस दिन मुलजिमा ने सबसे पहले शोहर को बाहर भेजा अपने दोस्तों के साथ मिलने के लिए और मीनवाइल वो उसकी पोजीशन और वेयर अबाउट्स जो है वो लेती रही और साथ साथ उमर के साथ वो शेयर करती रही, डिस्क्लोज करती रही। वारदात वाले दिन एक दफ़ा वो मुलजिम वहाँ पे मौजूद होते हैं लेकिन मकतूल समहाउ घर पहुँच जाता है और इनसे ये वारदात नहीं हो पाती। जब ये वारदात उस तरह नहीं हो पाती तो मुलजिमा अपने शोहर को दोबारा घर से रवाना करती है किसी और बहाने से कि आप दोबारा घर से बाहर निकलें और दोबारा उमर के साथ रब्ता करती है कि अब वो दोबारा आएगा तो इस दफ़ा आपसे ये वारदात स्किप ना हो और अभी आपकी ये वारदात पूरी तरह कम्प्लीट हो जाए। दूसरी दफ़ा जब मकतूल पैदल घर आ रहा होता है तो ये 2 मुलजिमान उमर और मुस्तफ़ा गली में घात लगाए बैठे हुए होते हैं और डकैती का रंग देने के लिए उससे मोबाइल फ़ोन और बाकी उसका कैश और सामान वो छीन लेते हैं, लेकिन अल्टीमेट इनका जो गोल था वो मकतूल को रास्ते से हटाना था और उसी पे अमल पैरा होते हुए इन्होंने फायर किया जिससे मकतूल की मौके पर ही डेथ हो गई। ये इन्वेस्टिगेशन थी हमारी जिसमें मरकजी मुलजिमान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी इसमें रिकवर हो चुका हुआ है
और ये चीज पूरी तरह से अनफोल्ड हो चुकी है कि इसमें जो इनकी कनाइवेंस थी बीवी की और अपने साबका साथी के साथ मिलके, ये कोई डकैती का इंसिडेंट नहीं था, डकैती मुजामत का नहीं था। इसमें जो मोटिव था इनका वो यही कि मकतूल को रास्ते से हटा के अपने आशना के साथ दोबारा से वो एक नई जिंदगी स्टार्ट करना चाह रही थी और कैनेडा ये लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे। ये वो मेन केस था। इसके अलावा इकबाल टोन डिवीजन की रवा माँ की कारकर्दगी भी मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप तमाम मौजूद हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन विंग ने रवा माँ 11 डकैत गैंग गिरफ्तार की हैं, जिसमें 30 मुलजमान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और ये मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मुलविस रहे हैं। रिकवरीज की अगर बात करें तो 3 अदद मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल फ़ोन, 12 के करीब पिस्टल और 35 गोलियां इनसे बरामद हो चुकी हैं। इसमें जो बड़े गैंग हैं और जो कार्रवाइयां की हैं उनमें सब्जाजार इन्वेस्टिगेशन विंग ने बहुत अच्छी कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मेंबरान गिरफ्तार किए, जिनसे 3 मोटरसाइकिल और 12 फोन रिकवर हुए और 9 लाख के करीब कैश। सांदा पुलिस ने बड़ी एक्टिवली वर्किंग करते हुए एक डकैत गैंग गिरफ्तार किया है, जिनसे 12 मोबाइल फ़ोन, 2,37,000 नकदी बरामद की गई है। इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो है 18 ए कैटेगरी के पीओस और 80 बी कैटेगरी के पीओस जो हैं वो भी रवामा में गिरफ्तार किए हैं। दूसरा पहलू जिसपे इन्वेस्टिगेशन विंग की बहुत अच्छी कार्रवाई रही है इकबाल टोन डिवीजन की, वो है कि मघवी खवातीन और बच्चे उनकी बाजियाबी के हवाले से कोशिशें SSOIU ने एफर्ट करते हुए और मुतलका थानों के तावुन के साथ ये 20 दिन में 32 के करीब खवातीन हैं जिनको बाजियाब करवा के वर्सा के हवाले किया गया। इसके अलावा 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ उनको भी बाजियाब करवा के वर्सा के हवाले किया गया। एक और वादत कॉलोनी ने कार्रवाई करते हुए एक नौसरबाज गैंग को गिरफ्तार किया जो मुख्तलिफ तरह की वारदातों में मुलविस थे और इनका तरीका वारदात